हकीकी आज़ादी मार्च का 7 रोज़ बाद वज़ीराबाद से फिर आगाज, आवाम का जम्मे गफीर। शाह महमूद कुरैशी क़यादत कर रहे हैं। इमरान खान का वीडियो लिंक से खिताब, कहा मुल्क में साबिक वज़ीर आज़म के हुकूक नहीं। चीफ जस्टिस, मेरी FIR आज़म सवाती और अरशद शरीफ के मामलात को देखें, कौम चीफ जस्टिस की जानिब देख रही है। कौम को हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत की दावत देता हूँ, जब तक जिंदा हूँ मैं पीछे नहीं हटूँगा। कायदीन के लिए नया बुलेट प्रूफ कंटेनर, इनकलाब या इंतखाब तैयार। जमान पाक की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। बोल न्यूज़ हकीकी आज़ादी मार्च के साथ लम्हा बलम्हा हर खबर बोल पर। फौज के साथ खड़ा हूं, फौज मेरी है, ये लोग मुझे फौज के सामने खड़ा करना चाहते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। इमरान खान की जमान पाक में सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। एस्टेब्लिशमेंट की मदद चाहिए होती तो EVM पर क्यों इनसार करता, जो डिग्गी में छुपकर मिलता है उससे क्या मुजाकरात होंगे। लॉन्ग मार्च की टाइमिंग खुद तय करूंगा, मुझे नहीं इस्लामाबाद वालों को जल्दी है। इमरान खान कातिलाना हमला केस, इंदराज मुकदमा के लिए 22AB जाब्ता फौजदारी की रिट पटिशन दायर। PTI की जानिब से मुद्दई जुबैर नियाजी ने दरख्वास्त दायर की, मुकदमा इंदराज न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की इस्तेदा। एक कायनाती जो सबसे भारी है, जितनी अखबारें सुबह मैंने पढ़ी हैं वो यही है कि भाई ये पाकिस्तान में होनी है, इंशाल्लाह ताला बेहतर होंगी, अच्छे फैसले होंगे और नवाज और आसिफ जरदारी सबको मायूसी होगी। नवंबर अहम है, अच्छे फैसले होंगे। शेख रशीद की बोल के मॉर्निंग शो दुनिया बोल है में गुफ्तगू, कहा 20 से 25 दिन में सियासत का पता चल जाएगा। नवाज शरीफ जरदारी समेत सबको मायूसी होगी। इमरान खान पूरी हिकमत अमली के तहत चल रहे हैं, तमाम फैसले सोच समझ कर कर रहे हैं। बेटों की बाप से मुलाकात, इमरान खान के दोनों बेटे कासिम और सुलेमान पाकिस्तान पहुंच गए। एयरपोर्ट से सीधे जमान टाउन वालिद की आयादत को पहुंचे। गलती नहीं, मंसूबा बंदी के साथ कत्ल किया गया। अरशद शरीफ केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त, इंडिपेंडेंट पुलिसिंग और साइट अथॉरिटी का एतराफ, पुलिस एहलकार मुलविस थे। कैनियन अखबार के मुताबिक बोल न्यूज के सीनियर एंकर को जर्नल सर्विस यूनिट अफसरान ने गोली मारी। 23 अक्टूबर की तहकीकाती टीम ने सबूत हासिल किए, मुनासिब सिफारिशात करेंगे। बोल न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ की तस्वीर हुकूमती हामी एंकर से जारी करवाना भोंडी साजिश। तस्वीर जारी करने का मकसद इमरान खान के लॉन्ग मार्च और आजम सवाती केस से अवाम का ध्यान हटाने की नाकाम कोशिश। तस्वीर जारी करने की टाइमिंग इंतहाई अहम है। खास एजेंडे के तहत मीडिया पर तशद्दुद ज़दा तस्वीर जारी करवाई गई। अरशद शरीफ शहीद की फैमिली के जज्बात मजरूह हुए। केस को मीडिया ट्रायल नहीं बनाना चाहिए। क्या हमें अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिली है कीनिया से या पाकिस्तान से? तो वो तो नहीं मिली। और दूसरी चीज ये है कि अगर इसी तरह चीजें मीडिया पर आती रहेंगी तो ये चीज जो है वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। हमने पहले भी कहा है कि हायर जुडिशियल कमीशन या अक़वामे मुत्तहिदा का कमीशन इसकी जो है वो तहकीक करे। अरशद शरीफ रिपोर्ट खानदान को देने के बजाय मीडिया पर लीक कराना बाई से तशवीश है। हुकूमत रिपोर्ट छुपाकर नामालूम क्या हासिल करना चाहती है। एरिया जवैया सिद्दीक की बोलियों से खुसूसी गुफ्तगू, कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट ताहाल हमें नहीं दी गई। आला अदालती कमीशन या अक़वामे मुत्तहिदा तहकीकात करे, हुकूमत की तरफ से किसी ने राबता नहीं किया। अदालत एग्जीक्यूटिव को जिम्मेदारी पूरी करने का कह सकती है, इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल के इमरान खान की नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त पर रिमार्क्स, कहा सोमोटो का इख्तियार बड़े एहतियात से इस्तेमाल करना पड़ता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा अदलिया ने इंतजामिया के कई इकदाम को कलअदम करार दिया, नैब तरामीम से कई शिकों को निकाल दिया गया। वजीर आजम को मुल्क चलाना ना आए तो क्या अदलिया मुल्क चलाएगी। नादरा ट्रांसजेंडर का तायुन कैसे करता है, वजारत इंसानी हकूक मामले को संजीदगी से देखें।
वफाकी शरई अदालत के रिमांड ट्रांसजेंडर की तारीफ पर शनाख्ती कार्ड के इजरा के तरीक़ेकार पर रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस ने कहा कि ट्रांसजेंडर कानून से फायदा पहुंचने वालों की तादाद सिफर बताई गई है। शुएब मलिक और सानिया मिर्जा की शादी मुबैना तौर पर खत्म। खलीजी अखबार का दावा, सानिया मिर्जा और शुएब मलिक ने अलहदगी की खबरों की तरदीद की। ना तस्दीक, इंस्टाग्राम पर सानिया मिर्जा की पोस्ट से शुएब मलिक से अलहदगी की अफवाहें। भारत का T20 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने का ख्वाब चिकनाचूर। इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में रोंद डाला, 10 विकेटों से धोबी पटखार। फाइनल में पाकिस्तान से मुकाबला होगा। 169 हदफ 24 गेंदों से पहले ही हासिल कर लिया। एलेक्स हेल्स की तूफानी इनिंग, 7 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 86 रन बनाए। कप्तान बटलर के 80 रन। ग्रीन शर्ट्स T20 वर्ल्ड कप फाइनल के लिए मेलबर्न पहुंच गए। स्क्वाड कल लेट सेशन करेगा। टूर्नामेंट का फाइनल इतवार को खेला जाएगा। बारिश से मुतासर होने का खदशा। इतवार को मेलबर्न में 95% बारिश की पेशगोई। इतवार को 10-10 ओवर्स न हुए तो पीर को रिजर्व डे पर मैच होगा। पीर को मैच ना हुआ तो दोनों टीमें मुश्तरका चैंपियन होंगी। अमेरिका में वस्त मुद्दती इंतखाबात, डेमोक्रेट्स को बड़ा झटका। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन्स की गिरफ्त मजबूत। अक्सरियत के लिए सिर्फ 7 नशिस्तें दरकार। 435 में से 209 नशिस्तें जीतीं। सेनेट में 1 नशिस्त की बढ़तरी। कई रियासतों में डेमोक्रेट्स अपनी नशिस्तें हार गए। नताए सदर जो बाइडन घबरा गए। दूसरी बार सदारत का उम्मीदवार बनने का फैसला मौखर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी। बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।